अब इस इसी सैम्पल साइज़ uh, की कैलकुलेशन के दे आर टू वेरिएशन फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेरिएशन इज़ के इफ़ द एक्यूरेसी इज़ नॉट गिवन इन परसेंटेज टर्म्स और उसको जो एक्यूरेसी दी है वो एब्सलूट वैल्यू दी हुई है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्लस माइनस वन मिनट इंस्टेड ऑफ थ्री परसेंट और टू परसेंट हम कहते हैं प्लस विद इन प्लस माइनस विद इन वन मिनट तो उस केस के अंदर हमारी जो ये जो है इक्वेशन ये चेंज हो जाएगी इसके अंदर एक्स एच एक्स बार जो है वो ई e, उसको रिप्लेस कर देगी विच इज एब्सोलूट वैल्यू बेसिकली क्या हो रहा था एक्स बार वाज मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेसी पॉइंट जीरो थ्री लट से थ्री परसेंट हम कहते हैं तो उससे एब्सुलूट वैल्यू आती थी अब हम एब्सुलूट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो उस केस के अंदर फिर हम एच एक्स नहीं यूज करेंगे हम ई e यूज करेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी सो फॉर्मूला विल बी जेड एस जेड इज कॉन्फिडेंस लेवल का रिलेटेड uh, जेड की वैल्यू एस इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय ई एब्सोल्यूट एरर और ये टर्म जो है सारी की सारी स्क्वेयर हो जाएगी अब इसके अदर वेरिएशन इज बेसिकली इसके अंदर है कि अगर लेट्स सपोज हमें स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवन हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन वन दिया हुआ था बट यूजली हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन को वी मस्ट कैलकुलेट दैट स्टैंडर्डीविएशन उसको हमने किस तरह कंप्यूट करना है वो है कि स्टैंडर्ड विएशन के जो एक वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। अच्छा ये एक्स आई क्या है ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है आपने लट से पांच ऑब्जर्वेशन की हैं। अब इनमें पहली वैल्यू एक्स वन होगी एक्स आई से इधर डिनोट किया हुआ है एक्स वन माइनस जो भी एक्स बार मीन वैल्यू है उसका डिफरेंस आपने लिया और उसको स्क्वेयर कर लिया फिर आपने दूसरे ऑब्जर्वेशन जो थी उसका डिफरेंस लिया एक्स बार से और उसको स्क्वेयर कर लिया और फिर इन दोनों के सम कर लिया इसी तरह आपने पांच जो वैल्यूज थी पांचों को आपने उनका डिफरेंस करके स्क्वेयर कर कर आप सम करते जाएंगे जो टोटल सम आएगा उसको एन माइनस वन से डिवाइड कर लेंगे केस के अंदर एन इज़ फाइव जो मैंने एग्जांपल अभी दी है कि पांच ऑब्जरवेशन हैं तो हमने बेसिकली फोर से इसको डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवियशन आ जाएगा और उसको फिर स्क्वायर रूट ले लेना ये जो अगर हम स्क्वायर रूट ना लें तो वो वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट ले, ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा ये उसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईच सैंपल ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे बताया पाँच अगर हमारी ऑब्जर्वेशन है इनिशियल सैंपल में तो हर ऑब्जर्वेशन का हमने डिफरेंस फाइंड करना है विद मीन उसको फिर स्क्वायर कर लेना है फिर उसको सम करना है दूसरी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस विद मीन के स्क्वायर के साथ फिर तीसरे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस विद मीन उसका स्क्वायर एंड सो ये हमारे पास एक टोटल आ जाएगा उसको हमने एन माइनस वन जो भी हमारा सैम्पल साइज़ है इनिशियल उससे एक उसका वैल्यू कम कर कर उससे डिवाइड कर लेना है हमारे इस केस के अंदर इट कम्स टू फाइव माइनस वन विच इज़ फोर तो हम फोर से डिवाइड कर लेंगे इधर वो मैंने बताया कि फिर से कि एक्स आई इज़ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, एक्स बार इज़ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड एन इज़ द सैम्पल साइज और वी कैन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैम्पल